बात फ्रेंड्स दोपहर के खाने में हो रही है छोला चावल की तैयारी। छोला मैंने देखिए चाय की पत्ती डाल के उबाल लिया है और अच्छी तरह से कलर भी आ गया है। अब इधर कढ़ाई में मैंने तेल भी चढ़ा दिया है और ये प्याज लहसुन अदरक का मसाला बना दिया है। साथ में मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर दिया है गरम तेल में। तो इधर मसाले को भुनने के लिए रख दिया है। और फ्रेंड्स आपने देखा बारिश बहुत हो रही थी, फिर मैं आई वहाँ से और छोला चावल दूसरे दिन मैंने बनाया, शाम को टेस्ट कर लिया छोला और छोला चावल सुबह मॉर्निंग में मैंने बना लिया था पोहा, फिर दोपहर के खाने में बना रही हूँ छोला चावल। तो बताइएगा कैसा बना मेरा छोला चावल। तो मसाला देखते पक गया है, मसाले में थोड़ा सा ये धनिया मिर्ची का पाउडर भी डालेंगे, बहुत अच्छा लगता है थोड़ा सा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ये डालेंगे इसमें चना मसाला या फिर आप डाल सकते हैं छोला मसाला। और ये हमारे पास उबला आलू रखा है, इसको भी हम एक मैश करके इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे। आटा डालेंगे हम उबला हुआ छोला, इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मसाला। मसाला तो मैंने पहले से ही ऐड कर दिया है, मिक्स करूंगी और थोड़ा 10 मिनट के लिए और भी इसको हम कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए छोला बनके तैयार हो गया है, अच्छी तरह से कुक हो गया है, आलू और छोला सब अच्छी तरह से गल भी गए हैं। तो चलिए फिर खाना निकालते हैं। तो चलिए फिर इधर सलाद की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले खीरे को काट लेते हैं, छिलका निकाल लेते हैं इसका। गाजर को छील लेते हैं, और ये रहा आंवला। तो मार्केट में बहुत अच्छे अब खीरा आने लगे हैं, तो खीरा जरूर खाइए। और ये काट लेंगे हम गाजर। ये काट लेंगे आंवला। तो सलाद कट गया है। तो चलिए खाना खाते हैं फ्रेंड्स। और ये करना था छोला। साथ में सलाद। तो चलिए खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।